लेखपाल में बुलडोजर एक्शन पर सवाल, काट दिया बवाल। लेखपाल को दौड़ा दौड़ा कर पीटा, 30 बवालियों का हिसाब। सपा को बुलडोजर पर राजनीति करना पड़ गया महंगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज, मैं आपके साथ शबनम। एक तरफ बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी कर सियासी माहौल गर्मा दिया है, तो दूसरी तरफ योगी सरकार के बुलडोजर ने स्पीड बढ़ाकर सभी को चौंका दिया है। इस बार बहराइच के बाद फरुखाबाद में बुलडोजर एक्शन से कोहराम ही मच गया। दरअसल फरुखाबाद के बुलडोजर एक्शन से कई घरों को ध्वस्त किया गया। उखरा गाँव में सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा कर घर बनाए गए थे। बुलडोजर एक्शन के बीच कुछ अधिकारी गांव में लोगों को समझाने पहुंचे, क्योंकि काफी बवाल मच रहा था। लेकिन ऐसे में ग्रामीण और भड़क उठे। इस दौरान माहौल काफी बिगड़ गया। कुछ ग्रामीण उग्र हो गए और उन्होंने दो राजस्व अधिकारियों पर हमला बोल दिया। उन्हें दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया। हमले में वो दोनों अधिकारी घायल हो गए। जिस पर हमला किया गया उसमें लेखपाल शामिल थे। ग्रामीणों की दादागिरी बढ़ती देख पुलिस ने भी मोर्चा संभाला और हंगामे पर प्रशासन की टीम ने हमला करने वाले 30 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया, क्योंकि ये लोग चोरी कर प्रशासन की टीम को सीनाजोरी दिखाने का काम कर रहे थे। लेकिन अब सभी की अकल ठिकाने लगा दी गई है, जिसके चलते गाँव के 30 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। ग्रामीणों पर राजस्व अधिकारियों के काम में बाधा डालने का आरोप लगा है। प्रशासन के लोगों पर हमला करने की वजह से एक्शन लिया गया है। वहीं इस घटना के बाद लेखपाल संघ के जिला अध्यक्ष का कहना है कि जब तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हो जाती तब तक वो धरने पर रहेंगे। तो अब लेखपाल संघ ने हमला करने वाले आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग की है। आज आपके एक लेखपाल पर हमला हुआ, क्या मामला है पूरा और आप लोग किस तरीके से इसको आगे तक ले जाएंगे? तहसील सदर का गाँव है उखरा, उसमें अतिक्रमण हटाने के लिए जो है अभी मकान कुछ अतिक्रमण हटाया गया था, अवैध अतिक्रमण, उसके संबंध में आज पुनः जांच के लिए हमारे लेखपाल साथी उप जिलाधिकारी महोदय के साथ मौके पर गए। क्योंकि अतिक्रमण जो हटाया गया और वहां पे अवैध जो कब्जेदार थे उनके द्वारा एक लॉबी बना के हमारे लेखपालों पर जानलेवा हमला किया गया, जो जैसा लेखपालों के द्वारा हमें बताया गया है कि उनके अभिलेख भी छीन लिए गए हैं, उनका खसरा नक्शा भी लापता है और चोटें आई हैं लेखपालों को। लेखपाल हैं सौरभ पांडे, उनको काफी चोटें आई हैं और दूसरा रुद्र है, उसको भी मारपीटी की गई है। तो ऐसी दशा में अभी हम लोग थाना नवाबगंज आए हैं कि संगीन धाराओं में जो है जानलेवा हमला किया है, बलवा किया है, भीड़ की है, अभिलेख सरकारी लूट लिया है, तो संगीन धाराओं में उन पर मुकदमा दर्ज हो और उनकी गिरफ्तारी हो। उनकी तत्काल गिरफ्तारी होने तक, जब तक वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी नहीं होती है, तब तक हम लोग थाना नवाबगंज छोड़कर कहीं भी नहीं जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ सपा ने इस पर सियासत करना शुरू कर दिया है। मौका मिलते ही सपा नेताओं की टोली घटनास्थल पर पहुंच गई, यादव कार्ड खेलना शुरू कर दिया और कहा गया कि जानबूझकर यादवों के घरों को निशाना बनाया जा रहा है। बुलडोजर एक्शन पर योगी सरकार पर तंज कसा गया। क्या कुछ कहा सपा नेता ने, तो ये सुनवाते हैं। देखिए, तकरीबन 29 घरों को नेस्त नाबूद कर दिया। इस आतताई सरकार ने इतना समय नहीं दिया कि ये गांव वाले अपना गेहूं अपना गल्ला निकाल सकें। यहां तक कि इस 29 घरों में एक घर वो भी है जो सरकारी आवास था। जब सरकारी आवास था तो उसे क्यों गिराया? वो विधवा औरत। जब वो सरकारी आवास था तो मानकों से होगा। अगर सरकारी आवास भी मानकों से नहीं होते हैं तो फिर इस सरकार में फिर ये निर्दयी सरकार कही जाएगी। आज ये गरीब जिस घर में हम खड़े हैं, इस घर में एक बिटिया की शादी होने वाली है, नवंबर में विवाह है, घर तोड़ दिया, सामान उसके अंदर दब गया। लोग यहाँ के स्थानीय लोग बता रहे हैं कि दहेज का बहुत सा सामान जिसे जो मिला वो ले गए। एक मकान के अंदर से किसी बछड़े की बदबू आ रही है। इतना समय नहीं दिया कि वो खाने पीने का सामान निकाल लें, ऐसा क्या कसूर था? मैं भारतीय जनता पार्टी से योगी आदित्यनाथ जी से पूछना चाहता हूं कि ऐसा क्या इन ग्रामीणों का कसूर था जो आपने इतनी निर्दयता करी? एक नोटिस नहीं दिया, एक कोई सूचना नहीं दी, एकदम ये सब कार्रवाई होना शुरू हो गई। ये कार्रवाई केवल इसलिए हुई है कि ये जितने भी परिवार हैं ये PDA परिवार हैं और ये PDA वही परिवार हैं जिन परिवारों ने राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी को लोकसभा में एक अच्छे नेतृत्व के साथ तीसरे नंबर की पार्टी बना के भेजा और यही दुर्भावना के साथ, इसी दुर्भावना के चलते इनके साथ ऐसा किया जा रहा है।
लेकिन ये बहुत गलत है और बहुत निंदनीय है। समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में हम सभी लोग इस लड़ाई को हर संभव तरीके से और जब तक इन लोगों को न्याय नहीं मिलेगा तब तक लड़ेंगे और इस लड़ाई में पीछे नहीं हटेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी इस पूरे गरीब परिवारों के साथ हैं, इनके दुख में साथ हैं, इनके समर्पण में साथ हैं, इनके लिए साथ हैं। ये लोग कभी अपने आप को अकेले ना समझें, ये मेरा आप सबसे कहना है। अब समझिए, ये कार्रवाई नियम कानून के तहत की जा रही है, उन सबूतों के आधार पर की जा रही है जो साफ साफ बता रहे हैं कि ग्रामीणों ने सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा किया, बावजूद उसके भी लोग कार्रवाई करने आए अधिकारियों को ही मारपीट कर भगा रहे हैं। जब उल्टा पुलिस ने एक्शन लिया तो सपा नेता भी माहौल बनाने बैठ गए। खैर, अब जिस तरीके से लेखपालों के साथ मारपीट की गई है उस घटना से सीएम योगी आदित्यनाथ काफी गुस्से में हैं और कार्रवाई और भी ज्यादा सख्ती के आदेश आ सकते हैं। अब ये मामला पूरा क्या था, चलिए विस्तार से ये भी बता देते हैं। दरअसल फरुखाबाद के मोहम्मदाबाद विकास खंड में बीते दिनों सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे से बनाए गए मकानों पर जिला प्रशासन ने बुलडोजर चला दिया था, जिसके चलते राजस्व प्रशासन के लोग ग्रामीणों को समझाने मौके पर पहुंचे थे। जब राजस्व की टीम गांव पहुंची तो ग्रामीणों ने टीम के साथ मौजूद दो लेखपालों के साथ मारपीट शुरू कर दी। उन्हें दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया, जिसके बाद मामला और बढ़ गया और पुलिस ने सख्ती के साथ एक्शन लिया है। फिलहाल फरुखाबाद में गहमा गहमी बड़ी हुई है, लेकिन पुलिस प्रशासन ने सख्ती दिखा दी है, जिसके बाद एक्शन और तेजी से लिया जा सकता है। फिलहाल इस खबर पर आपकी राय क्या, कमेंट कर जरूर बताएं।